हेलो दोस्तों, सिर्फ एक लिंक से कोई आपका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकता है। हाँ, बिना जीपीएस मैन्युअली ऑन किए, बिना आपको पता चले, सिर्फ एक लिंक। लेकिन टेंशन मत लो, लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऐसे अटैक से कैसे बचते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए है। सारे डेमोन्स्ट्रेशंस मेरे अपने सिस्टम पर किए गए हैं। किसी भी पर्सन का डिवाइस बिना परमिशन ट्रैक, हैक या एक्सेस करना इलीगल है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं मोजिला ओपन करता हूं और ये ट्रैक ईएम रिपोजिटरी को क्लोन करता हूं। इसका गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बेसिकली एक जीपीएस लोकेशन ट्रेसिंग टूल है जो जावास्क्रिप्ट और पाइथन पे बेस्ड है। इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन सिंपल है, मेरा सिस्टम अपडेट और पाइथन इंस्टॉल्ड ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्ट गिट क्लोन कमांड रन कर रहा हूं। टर्मिनल ओपन करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब इसके डायरेक्टरी में एंटर करते हैं, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे। और फिर टूल को स्टार्ट करते हैं। पोर्ट में 8080 यूज कर रहा हूं। और बस, टूल ने दो लिंक्स जनरेट कर दिए। यही वो डेंजरस चीज होती है, सिर्फ इन लिंक्स को ओपन करने से यूजर की लोकेशन अटैकर को मिल जाती है। देखो, ये लोकेशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है। हम जैसे ही अलाउ करेंगे, ये डिटेल्स अटैकर के पास चला जाएगा। टर्मिनल में वापस आते हैं और यहां बूम, विक्टिम की लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब आ चुका है, यानी आपका एग्जैक्ट लोकेशन अटैकर के पास पहुंच गया। और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही नहीं, मैं इन्हें कॉपी करके गूगल मैप्स में पेस्ट करता हूं। और देखो, एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट हो गया। इंपॉर्टेंट पार्ट, आप खुद को कैसे सेफ रख सकते हो? अननोन लिंक पर क्लिक मत करो। पहले लॉन्ग प्रेस करके या होवर करके उसका प्रीव्यू देखिए। पब्लिक वाईफाई पर हमेशा वीपीएन यूज करो। लोकेशन परमिशन को आस्क एवरी टाइम या ऑफ रखो। शॉर्ट लिंक जैसे bit.ly और टाइनी URL को पहले अनशॉर्टन करो। प्राइवेसी ब्राउजर्स यूज करो, ब्रेव, फायरफॉक्स। अगर डाउट हो, लिंक को अलग डिवाइस या प्राइवेट विंडो में ओपन करो। तो दोस्तों, एक सिंपल लिंक भी आपकी काफी इंफॉर्मेशन रिवील कर सकता है। इसलिए आज के बाद किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले दो बार सोचना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना, ताकि और लोग भी सेफ रह सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।